नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को मेरा चैनल पे मतलब वेलकम है दोस्तों। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा दोस्तों, ढोलक का जो मतलब सेटिंग होता है यानी चाटी के लिए और बेस के लिए किस टाइप का सेटिंग करना चाहिए हम लोगों को, तो सीटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और उन लोगों को भी मतलब अच्छे से बजा पाएगा और जो ऑडियंस है उसको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो हर मिक्सर में इस टाइप का सेटिंग करोगे यानी बेस मिड ट्रेबल तो हर मिक्सर में होता ही है दोस्तों, उस टाइप का सेटिंग करोगे तो आपके लिए दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं आएगा। तो दोस्तों सिंगर के लिए दूसरा वीडियो लाएंगे, सिंगर के लिए दोस्तों अलग से इफेक्ट प्रोसेसर लगा के अच्छे से दोस्तों आपको समझ भी देने का दोस्तों कोशिश करेंगे। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में। दोस्तों मैंने मान लेते कि 3 में मैंने चाटी लगाया और 4 में बेस लगाया। पहले दोस्तों चाटी का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों चाटी का माइक इनपुट कर दिया। उसके बाद दूसरा जो चीज़ आता है लिमिटर दोस्तों, आपके पास अगर साउंड ट्रैप 22 मिक्सर है या MTK है उसको लिमिटर का दोस्तों चाटी का जो लिमिटर है दोस्तों उसको ऑन कर देना है, ठीक है, उसको ऑन कर देना है। तो ऑन करने से आपका लिमिटर अगर ऑन करोगे तो ये फायदा रहेगा कि वो बंदा जितना जोर से ही बजा ले मतलब लिमिटर ऑन रहेगा तो लिमिट से ज़्यादा दोस्तों इनपुट नहीं घुसेगा, ठीक है, ये लिमिटर का फायदा है। और दूसरा जो चीज़ है उसके बाद आता है दोस्तों गेन। गेन आपको सेट करना है, किस टाइप का सेट करना है। पहले दोस्तों आपको 50% तक रखना है गेन, गेन आपको 50% तक दोस्तों रखना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 55% तक जा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 60%, उसके बाद जाना ही नहीं, ठीक है। आपको 50% तक खोलना है गेन, चाटी का बात कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाता है 100 हर्ट्ज़ का जो स्विच है, इसको दोस्तों चाटी का मामला है तो इसको दोस्तों प्रेस करना है। तो इसके प्रेस करने से क्या है, उसका जो बेस है दोस्तों ये काट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों ये जो हाई फ्रीक्वेंसी यानी चाटी के, तो चाटी के लिए हाई चाहिए तो उसको दोस्तों मिडिल पे कर देना है। वो अगर बोले जो बाजार है दोस्तों, वो अगर बोले तो मुझे और थोड़ा शार्पनेस चाहिए तो और 5% खोल सकते हो, ठीक है, उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं, वो जितना भी बोल ले। उसके बाद दोस्तों आते हैं दोस्तों हाई का जो मिड है वो थोड़ा बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों, इसका इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सीटी आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको सीखना है, ये जो शार्पनेस है ये डीपली काम होता है, उसको दोस्तों 45% तक खोलना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका जो हाई का जो मिड है, ये मिड इसको दोस्तों आपको खोलना है इतना तक, यानी 35% तक मान के चलिए, इस इतना खोलना है, इससे ज़्यादा खोलना ही नहीं। इससे ज़्यादा दोस्तों खोलोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम मॉनिटर का प्लेसमेंट आपने अच्छे से कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 50% तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं, ठीक है। तो 40% तक दोस्तों खोला, ठीक है, यहाँ से इतना सेटिंग हो गया दोस्तों, चाटी का बात कर रहा हो। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका जो ए है यानी लो का मीड है, लो मीड दोस्तों ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों सीटी के लिए, सीटी का प्रॉब्लम दोस्तों आ जाता है। तो आपको इसका जो शार्पनेस है इसको भी 35% तक यानी 45% तक खोलना है, यानी 40% मान के चलिए। उसके बाद दोस्तों ये जो लो का मीड है इसको आपको 40% तक खोलना है दोस्तों, ठीक है, 40% से ज़्यादा जाना नहीं आपको, ठीक है। चाटी का बात आ जाता है तो इस टाइप का सेटिंग करना चाहिए तो आपको दोस्तों अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं लो, यानी लो अगर चाटी पे दे रहे हो तो लो, कोई कोई बोलता है लो पूरा काट दो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, इसका क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए आपको लो जो है वो आपको 25% या 20% या 25% तक दोस्तों उसको खोलना है। उसके बाद दोस्तों यानी मान के चलते हैं दोस्तों वॉक्स वन से मैंने मोनिटर लगाया, ठीक है, मोनिटर का जो मास्टर है उसको दोस्तों इतना तक खोलना है, ठीक है, इतना तक या इतना तक दोस्तों खोल दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको हाथ नहीं लगाना है, आपने सेट कर लिया, मान लेते इतना खिचड़ी पकाना है मेरे को, इतना ही पकाना है, इतना मैंने सेट कर दिया, उसके बाद दोस्तों इसको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो ऑक्स है यानी चाटी का, उस ऑक्स यानी मोनिटर फीडबैक के लिए आपको खोलना है, वो जितना बोले उस हिसाब से दोस्तों आपको खोलना है, जितना बोले नहीं, आपको आपका भी मतलब कान है आप भी समझ सकते हो, उसको दोस्तों खोलना है। ज़्यादा से जब जब तक सीटी ना मारे दोस्तों तब तक जा सकते हो, ठीक है, जैसे सीटी मारे उतना तक आपको छोड़ देना है, ठीक है, यानी मॉनिटर का सेटिंग हो गया चाटी के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है इफेक्ट, इफेक्ट सेक्शन,
इफेक्ट के दोस्तों चाटी के लिए जो इफेक्ट होता है उसको दोस्तों पूरा बंद कर देना है, चाटी में दोस्तों इफेक्ट नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों पैन बीच में रखना है, ये म्यूट का है। और पीएफएल दोस्तों, पीएफएल का स्विच दबा के दोस्तों आप यहाँ पे जो इंडिकेटर है इस पार्टिकुलर चैनल का जो मतलब कितना जा रहा है इनपुट दोस्तों, कितना इनपुट घुस रहा है चाटी से, वो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 0 dB तक जाइए, ठीक है। 0 dB से या थोड़ा सा कम 30-3 पे जा सकते हो जब वो चेक कर रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अपने 0 dB तक वो जब बजा रहे, बजा के चेक कर रहे, 0 dB तक आपने लिया, 0 से दोस्तों 3 से 6 तक ये आपका हेड रूम रहेगा। यानी वो जब ज़ोर से बजाएगा तो उस लेवल पे खेल हो जाएगा। पहले आपको ज़्यादा नहीं जाना है, पहले दोस्तों 0 dB या 0 dB से कम में ही आपको दोस्तों PFL चेक करना है। उसके बाद आपको उसके उससे ज़्यादा जाओगे तो वो जब ज़ोर से बजाएगा तो इसका इनपुट में दोस्तों मतलब फटा हुआ साउंड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हर मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको PFL चेक करना है। PFL चेक कर लिया आपने सब, उसके बाद दोस्तों आपने फेडर तो उठा दिया पहले ही, फेडर पहले उठाना है आपको, मतलब 0 पे पहले 0 dB पे रखना है, ठीक है। आउट 0 dB पे आपने रख लिया, आउट में जितना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने इस पार्टिकुलर चैनल का जो मतलब इनपुट है दोस्तों, आपने मास्टर में देना चाहा तो मास्टर में प्रेस कर दिया, ग्रुप 1-2 में देना चाहा ग्रुप 1-2 में प्रेस करना है, 3-4 में चाहा तो 3-4 को दोस्तों प्रेस करना है। तो ये तो दोस्तों जो 3 नंबर चैनल था ये दोस्तों मैंने बताया आपका चाटी के लिए, ठीक है। अभी 4 नंबर चैनल है, ये बताएगा दोस्तों आपको मतलब ढोलक का जो बेस वाला सेक्शन होता है, पार्ट होता है दोस्तों, उसके लिए मैंने बेस का माइक यहाँ पे इनपुट किया। लिमिटर भी दोस्तों मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गेन भी 50% 50 से थोड़ा सा कम रखना है, यानी 45 मान के चलिए। उसके बाद इसका 100 Hz का स्विच प्रेस नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मेरे को 100 Hz से नीचे का मतलब बेस सही है ना, ये प्रेस करोगे तो बेस काट जाएगा, इसको प्रेस दोस्तों नहीं करना है बेस के लिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो शार्पनेस है, इसको मान के चलते हैं कि दोस्तों पूरा बंद नहीं करना है आपको, 35% तक खोलना है। इसका जो मीट का जो शार्पनेस है ये भी इतना तक रखना है, जो मीट है दोस्तों वो भी मान के चलते हैं कि इतना तक, ठीक है, इतना तक रख सकते हो, यानी 35% तक। उसके बाद दोस्तों लो मीट है, ये बहुत बड़ा रोल मतलब निभाता है बेस के टाइम पर दोस्तों, तो इसको दोस्तों आपने बीच में कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसका जो लो मिड है उसको दोस्तों इस जगह पे, यानी पहले दोस्तों 35 तक खोलना है, 35 तक खोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा 40, उसके बाद नहीं। उसको तो बेस पहले मिडिल पे कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि बेस थोड़ा कम आ रहा है या कम मिल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 इतना तक या इतना तक भी जा सकते हो, आप अपना मतलब कानों का हिसाब से दोस्तों आप लगा सकते हो, सेट कर सकते हो। वही सेम चीज़ है ऑक्स में, उसको जितना चाहिए यानी जितना उसको चाहिए उतना हिसाब से आप दीजिए, ठीक है, उसको दीजिए जितना चाहिए ऑक्स में यानी मोनिटर में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने फेडर उठा दिया, ठीक है, आपने फेडर उठा दिया दोस्तों इसका। मान लेते हैं दोस्तों आपने हॉर्न लगाया ग्रुप 1-2 पे, हॉर्न लगाया यानी 10-12 हॉर्न लगा हुआ है, उसको बेस आपने हॉर्न लगाया ग्रुप 1-2 पे, हॉर्न दोस्तों लिए हो, ठीक है, तो उसको ऑफ कर देना है बेस में, क्योंकि बेस नहीं घुसेगा हॉर्न में, ठीक है, इस टाइप का हो जाता है। बेस के लिए भी दोस्तों आपको पूरा इफेक्ट बंद करना है, वही सेम चीज़ है दोस्तों। तो ढोलक चाटी के लिए दोस्तों इस टाइप का दोस्तों सेटिंग हो जाता है, आपने मतलब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया 3 पे दोस्तों, 3 पे देख सकते हो और अच्छे से देखा, 3 का सेटिंग, 3 पे मैंने चाटी लगाया, इस टाइप का हो जाएगा चाटी का सेटिंग, ठीक है। और 4 पे दोस्तों इस टाइप का नहीं बेस लगाए, इस टाइप का दोस्तों हो जाता है। बाकी दोस्तों आपने बेस का भी मतलब PFL चेक कीजिए, थोड़ा मतलब PFL चेक करके देख सकते हो कि इसका इनपुट कितना घुस रहा है, उस हिसाब से दोस्तों अपना सेटिंग करना है, PFL को पेस करना है, ठीक है। PFL पेस करके आपको देखना है इसका इनपुट कितना घुस रहा है, अगर ज़्यादा घुस रहा है थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस टाइप का वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है, जैसे वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए मैंने पार्ट छोटा छोटा करके बना रहा हूँ, फिर भी दोस्तों देखिए 10 मिनट तक हो गया। तो ढोलक और चाटी के लिए दोस्तों इस टाइप का दोस्तों आप लोग सेटिंग कर सकते हो।
और बाकी दोस्तों सिंगर यानी मैं पहले बताया दोस्तों आप लोगों को, पहले पुराना पुराना वीडियो में दोस्तों बताया, जब दोस्तों इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो तो यहाँ से शुरू कीजिए, जब दोस्तों आपने वोकल दे रहे हो तो यहाँ से मेन वोकल दोस्तों यहाँ पे देने से अच्छा होता है। मैंने बोला है कि गेन ज़्यादा दोस्तों खोलना नहीं पड़ता है, तो उसका सेटिंग दोस्तों जो इफेक्ट लगा के अच्छी तरह से आपको दूसरा वीडियो में दोस्तों लाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग भी करते हो, आप लोगों से भी मतलब मुझे हेल्प हो जाता है मालूम है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।